तो हम लोग हैं डून न्यूंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और इस एयरपोर्ट का मेमोरीज हम लोग देख रहे हैं और कैप्चर कर रहे हैं। तो हमारा जो फ्लाइट है वो रात में है, तो ये देखिए कल्चर थाईलैंड सारे पोस्टर लगे हुए हैं, और मैं इसी रास्ते अपने गेट के पास जाऊंगा। तो जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के अंदर आ गए हैं। ये मैं अभी जो हूँ डॉन मुगरन एयरपोर्ट इंटरनेशनल टर्मिनल 1 पे मैं घूम रहा हूँ। मेरा फ्लाइट थोड़ा लेट में है, इसलिए मैं इधर उधर घूम रहा हूँ। और आप सामने देख रहे हो वो ड्यूटी फ्री है, और आप यहाँ से जो भी सामान लोगे इसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और आपको इमिग्रेशन में भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो आप जो चाहो यहाँ से ले सकते हो। एक्चुअली वहाँ पे करेंसी कन्वर्ट आप करा सकते हो, जैसे मैंने पूछा था इंडियन रुपीस के लिए तो वो उनके पास नहीं था। तो मैं अपनी आगे बढ़ते जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है। जैसे कि अभी मैं लगभग 500 मीटर चल रहा था, कंटिन्यू चला हूँ, और अभी भी हमारा जो गेट है अभी नहीं आया है। इधर नहीं गए थे, चलो इधर घुमा देते, टोकियो कुआलालंपुर। तो आइए अब चलते हैं दूसरी ओर। आप ये देख सकते हैं ये पोस्टर लगाया हुआ है थाईलैंड के बारे में, यहाँ पे उन्होंने सारा कुछ लगा रखा है जैसे कि हर एयरपोर्ट पे रहता है। और मैं अभी चलता हूँ थोड़ा सा दूसरे टर्मिनल की ओर, थोड़ा सा देख लेता हूँ क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारे टाइम बचे हैं। तो मैं थोड़ा देख लेता हूँ, एक्सप्लोर कर लेता हूँ ये डॉन न्यूंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर का। और ये आप देख रहे हो मसाज वगैरह हो रही है, छोटे से बच्चे हैं, ये अभी टॉयलेट यूरिन के लिए जा रहा है हमारे सामने। चाइना जा रहा है इधर का फ्लाइट। आगे की ओर बढ़ते हुए, लास्ट की ओर बढ़ते हुए मैं थोड़ा देख लेता हूँ। और मैं अब यहाँ से रिटर्न कर चुका था, मैं अब चलता हूँ क्योंकि हमारा टाइम हो गया है। और सामने देख रहे हो ये थाई लाइन है, यहीं से हम लोग को निकलना है। ये जो आप देख रहे हो ये सारे फ्लाइट लगे हुए हैं, सबका टर्मिनल है। अभी मैं 22 नंबर गेट के पास हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये चाइना जाने के लिए ये फ्लाइट तैयार है, ये लाइंस का फ्लाइट। और जो मेरा फ्लाइट है वो गेट नंबर 2 के पास आएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी मैं एक्सीलेटर के जरिए अपने गेट नंबर के पास जा रहा हूँ। 1 से 6 गेट नंबर यहाँ से डिमोट किया हुआ जैसा कि आपको दिख रहा था। ये बेसमेंट है, यहाँ पे हमें डायरेक्ट फ्लाइट में जाने का मौका नहीं मिलेगा। इस फ्लाइट में जाने के लिए हमें बस या फिर कुछ और व्हीकल्स के जरिए उसके तक पहुँचाया जाएगा। और ये वेटिंग एरिया है, तो ये एक छोटा सा इंडियन बच्चा ही है जो मस्ती करते हुए आपको दिखाई दे रहा नाच होगा। मेरे बहुआ तुझको बुलबुल मिलेगा, नाचो। देखिए कितना अच्छा मस्ती कर रहा है। और आप सामने देख रहे हो ये दोनों एयर होस्टेज है, ये हमारी फ्लाइट की ही एयर होस्टेज है, और ये मोहतरमा हमारे सामने आ गई थी। अब आप देख सकते हो कि हम निकलने के लिए तैयार हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ, मेरा फ्लाइट का टाइम हो गया है, और ये है हमारा बोर्डिंग पास। आप सामने देख रहे हो ये बस लगा हुआ है, ये लास्ट बस है, और इस बस से मैं अभी जाने वाला हूँ। मैं बस में आ चुका हूँ, तो बाय बाय थाईलैंड। थाईलैंड को बाय बाय बोलते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए ये हुआ बंद, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। अभी मैं पहुंच गया हूँ। हाँ, मेरा 31 सीट है, मेरा पीछे का सीट है। हाँ, मुझे पीछे जाके बैठना है। आप देख लो, सही तरह आपको घुमा के दिखा देता हूँ। देख रहे हो कट हेयर इन इमरजेंसी, वो इमरजेंसी है। अभी मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ।
तो आइए अब अंदर चलते हैं। इन्होंने अभी मेरे बोर्डिंग पास को पंच किया ताकि मैं आ चुका हूँ, और आप देख सकते हैं कितना क्राउड है। सबको पीछे भर दिया है, आगे सीट खाली था फिर भी ना दिया। 31 सीट, बहुत क्राउड है भाई, अच्छा व्यवस्था नहीं है। ठीक है, जो भी है अच्छा लगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो, मेरा पूरा लास्ट रो में है, 31st मेरा सीट है, तो मैं सबसे पीछे जाता हूँ और अपना लगेज वगैरह रखता हूँ, और मैं आपको पीछे का कुछ दृश्य दिखाता हूँ। ये आप देखो, ये जो आप देख रहे हो ये फ्लाइट का सबसे पिछले हिस्से है। आगे और पीछे दोनों तरफ ये सारे मशीन लगे होते हैं। ये हॉट और कोल्ड का इलेक्ट्रिक मशीन आप इसे कह सकते हो, और इसी में वो लोग सारा फूड रखते हैं, और वो बहुत दिन तक रखते हैं, 1 वीक 2 वीक तक रखते हैं, वाटर वगैरह सब कुछ रखते हैं। और आप ये दोनों तरफ जो देख रहे हो ये गेट है, और टोटल 6 गेट होते हैं। तो चलिए अब हम बैठते हैं और सफर का मजा लेते हैं। Should an oxygen mask like this automatically drop from the compartment above your seat, immediately pull the mask firmly towards you, place the mask over your nose and mouth with the headband tightly around your head, and breathe normally. Place your own mask first before assisting others under your care. Your life vest is under your seat. Slip it over your head like this, clip on the waistband and pull it tight. The exit, before leaving the aircraft, pull the red tag to inflate your life vest. Life vest has an oral tube for further inflation. Light comes on when in contact with water, and here is a whistle to attract attention. Evacuation slides are located at all exits. Please note where the emergency exits on the aircraft are located. In evacuation, leave your hand luggage. Smoke is present. Please keep low and follow the path lights to the nearest exit as indicated. A copy of this safety information card is in your seat pocket. Please read it carefully. Smoking is prohibited on all AirAsia flights. Thank you. Ladies and gentlemen, in a short while, the cabin light will be dimmed. If you wish to read, please switch on the reading light above you. Thank you. Ladies and gentlemen, how about this at Kolkata, India? Kolkata time now is 10:01, which is 1 hour 30 minutes behind Halal local time. For your safety, please remain seated, fasten your seatbelt, and use of mobile phone is not allowed until the aircraft comes to complete liftoff and the seatbelt sign turn off. Do take care when opening the overhead compartment. Before leaving the aircraft, please check that you have all your belongings and you. When disembarking, please follow the walkway to the main terminal building. Please be reminded that smoking is not allowed. On behalf of AirAsia, we would like to thank you for traveling with us today. It was a pleasure having you on board. If you need any answers, turn upon arrival. Kindly contact our ground staff today. Thank you for flying AirAsia and have a pleasant night. Complete pack. आ गए कलकत्ता एयरपोर्ट पे। अब आप देख सकते हो सामने इमिग्रेशन है। तो अभी मैं कोलकाता एयरपोर्ट का इमिग्रेशन क्रॉस कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं निकल रहा हूँ बाहर। अरे भाई, अपना देश का सुकून ही अलग है यार, मजा आ जाता है जब अपने देश में आते हैं। जिस फ्लाइट से आए थे वो फ्लाइट वापस चली जाती है, रुकती उकती नहीं है। वो है डोमेस्टिक, आप जो उस लाइन देख रहे हो ना, वो उस तरफ है डोमेस्टिक। मैं आपको पूरा एक राउंड कलकत्ता एयरपोर्ट का इंटरनेशनल वाले में मैंने घुमा दिया। कुछ खास नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर मैंने घुमा दिया। इससे ज़्यादा चकाचक रपाचक डोमेस्टिक वाला है। तो डोमेस्टिक का तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, फिर देखता हूँ। आज सुबह सुबह मेरे को डोमेस्टिक में जाना है, तो मैं फिर बनाता हूँ। तो अब ये इंटरनेशनल वाला में कुछ है खास नहीं। अब मैं अपना बैग वैग चेक कराता हूँ और जाके डोमेस्टिक वाला में बैठता हूँ। चलो ठीक, ये है लिफ्ट। तो अब मैं इंटरनेशनल से डोमेस्टिक की ओर जा रहा हूँ इस लिफ्ट के मदद।
चलिए चलते हैं डोमेस्टिक में। सुबह हो गई है कलकत्ता में, डोमेस्टिक वाला में आ गया। ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट का अंदर का है, अब यहाँ से डायरेक्ट सिक्योरिटी चेक वहाँ से होती है। मैं जा रहा हूँ बोर्डिंग पास लेने, बोर्डिंग। मेरा फ्लाइट गो एयर का है जो कि काउंटर 20 से मुझे जाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये टिकट वेंडिंग मशीन है, मैं इसके द्वारा अपने पीएनआर नंबर डालते हुए मैं अपना टिकट जनरेट कर रहा हूँ और ये प्रोसीड हो रहा है। मैं अपना पीएनआर नंबर डाल चुका हूँ और जैसा कि आप देख रहे हो अब मुझे सीट सिलेक्शन करना है, तो मैं सबसे नीचे चलता हूँ और सेकेंड रो का लास्ट सीट सेलेक्ट कर लिया जैसा कि आप देख रहे हो। और ये टिकट बच चुका है, टर्म और कंडीशन है कि हमें फ्लाइट में क्या लेकर जाना है और नहीं लेकर जाना है। तो चलिए मैं अपने टिकट को प्रिंट करता हूँ और देख रहे हो टिकट अब हमारे हाथ में है। तो ये हुई हमारा बोर्डिंग पास। तो अभी अभी हमने अपना सिक्योरिटी चेकिंग भी करा लिया है, अब मैं आराम से बैठता हूँ क्योंकि हमारे फ्लाइट आने में अभी टाइम है।